इंडिया गर्मी में तप रहा है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, गोवा में 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर नोट किया है फरवरी में। देश में आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान में हाल सबसे बुरा है, यहाँ तो गर्मी पापड़ को पका देने वाली पड़ रही है। एंड इंडिया के वो रीजन जो समुद्र के पास है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में तो 12 महीने गर्मी पड़ती है। और अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में ऐसी गर्मी पड़ने वाली है जिससे इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम आम लोग ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। Well, we take trillions of tons of carbon from underground and put it in the atmosphere and oceans. This is an insane experiment. It's the dumbest experiment in human history. Now please, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से आप एनवायरनमेंट को बचा लोगे। अच्छा है, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी इतने से कुछ नहीं होगा। हमें फिर भी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड हमने एक महीने पहले चाइना को सरपास किया है और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गए। एंड जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब और सामान बनेगा, और सामान यूज होगा, नई नई रोड्स बनेगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे और बहुत कुछ बनेगा। अब हमें डेवलपमेंट ही तो पसंद है, सो इसमें गलत क्या है? गलत बस ये है दोस्त, डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। और मुझे माफ करना, मेरे को बोलना पड़ेगा, हमेशा ये कॉस्ट एनवायरनमेंट चुकाती है। जंगल के जंगल काटे जाते हैं, नदियों का नाला बनाया जाता है, पहाड़ों को खोद दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को परमानेंटली डैमेज कर दिया जाता है और बहुत कुछ होता है। बट पता है सबसे ज्यादा भयानक क्या होता है? जब इस पूरे प्रोसेस में CO2 जैसी गैस रिलीज होती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ता है, गर्मियां बढ़ती है, नदी तालाब सूख जाते हैं और हीट वेव्स आती है जिससे हर साल पूरे वर्ल्ड में 50 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं सिर्फ गर्मी के कारण। और इसका मेन रीजन पॉपुलेशन ही है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में और आसपास के डेवलपिंग देशों में हमें स्कूल या कॉलेज में फैमिली प्लानिंग पढ़ाई नहीं जाती। अरे ऐसा कोई कोर्स ही नहीं होता है जहां में ये बताया जाए कि मैरिज इज नॉट ऑल अबाउट सेक्स। अरे एक्चुअली इसका उल्टा होता है। जैसे ही लड़का या लड़की 20-22 के ऊपर निकलते हैं, फैमिली और समाज का बहुत भयंकर प्रेशर आता है यंगस्टर्स पे एंड स्पेशली गर्ल्स पे कि शादी कर लो और दो प्यारे से बच्चे कर लो। आपको मजाक तो नहीं लग रहा ना, मैं सच बोल रहा हूं, 80% ऑफ इंडियन मैरिज फैमिली प्रेशर के कारण होती है। अरे यंगस्टर्स को तो पता भी नहीं होता वो शादी क्यों कर रहे हैं, बच्चे क्यों कर रहे हैं। एंड इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज क्रिएट हो जाती है। एंड देन फैमिली क्रिएट होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। एंड देयर इज अ रिपोर्ट कि अगर एक कपल एक बच्चा कम पैदा करता है तो वो एनवायरमेंट में 60 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा। सोचिए कितना अच्छा होगा, कितना बड़ा नंबर है ये, कैन यू सी? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर लोगे, सोलर पैनल यूज कर लोगे, तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मेरे प्यारे दोस्त नॉन वेज खाते हैं, प्लीज खाना बंद कर दो या फिर कम कर दो, क्योंकि मोर देन 16% ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एनिमल फार्मिंग के कारण होती है, क्योंकि एनिमल फार्मिंग में बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा दुनिया का 70% एग्रीकल्चर लैंड एनिमल फार्मिंग के लिए यूज होता है, जिसके कारण बहुत सारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट 17% काटा जा चुका है एनिमल फार्मिंग के कारण। और इसी स्पीड से चलता रहा तो 2030 तक 27% और काटा जाएगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री और बढ़ जाए। तो प्लीज धीरे धीरे वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट करें, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। एंड लास्ट पॉइंट, अपना कंजम्पशन कम करने की कोशिश करें, मतलब जो सामान की जरूरत नहीं है मत खरीदिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा सामान मत खरीदिए, क्योंकि आपकी फालतू खरीदारी के कारण कंपनी उस सामान को और ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगी जिससे और ज्यादा कार्बन एमिशन होगा, मतलब और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो इस वीडियो का कंक्लूजन सीधा है, अपना कंजम्पशन कम करने में दिमाग लगाओ बस, जिसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन हो सके तो वेजिटेरियन हो जाए। एंड लास्ट, जिस चीज की जरूरत नहीं है मत खरीदिए। एंड बाय फॉलोइंग ऑल दिस 3 रूल्स, हम सिटीजन्स ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ने वाली है। अगर किसी को चक्कर आए या फिर डिहाइड्रेशन हो तो उसको इलेक्ट्रोलाइट या फिर ग्लूकोज जरूर पिलाएं। एंड डेली घर के बाहर एक बर्तन में पानी भर के पशु पक्षियों के लिए रखें, क्योंकि
उनको भी गर्मी लगती है, वो भी झेल नहीं पाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए फिर सबका ध्यान रखें।